सिर्फ रंग के आधार पर डिसाइड हो कि आप गुलाम बनोगे या आपको आज़ादी मिलेगी। अगर आपका रंग काला है तो आप गुलाम बनोगे, और अगर आप गोरे हो तो आप मालिक बनोगे, तो इस चीज़ की इजाज़त कौन देता है? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 12 इयर्स अ स्लेव मूवी के बारे में, जो एक बुक के ऊपर आधारित है, और उस बुक का नाम भी 12 इयर्स अ स्लेव है। इस बुक को लिखा है सोलोमन नॉर्थअप ने, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीव मैकक्वीन ने। ये बुक सोलोमन की जीवनी के ऊपर आधारित है, यानी एक रियल बेस्ड स्टोरी है। 1841 में सोलोमन को न्यूयॉर्क से इस बहाने वॉशिंगटन लिया जाता है कि उसको उनको वहाँ पर जॉब मिलेगी, आप वहाँ जाकर जॉब करिए, आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी जाते हैं, और वॉशिंगटन जाके वहाँ पर उनको गुलाम बनाकर उनको बेच दिया जाता है। एक इंसान जो कुछ टाइम पहले अपनी आज़ाद भरी जिंदगी जी रहा था, अपने परिवार के साथ वो खुश था, अपने बीवी के साथ, अपने दो बच्चों के साथ वायलिन बजाकर ईमानदारी से पैसे कमाकर अपना जीवन यापन कर रहा था, उससे अचानक से उसकी आज़ादी छीन कर गुलाम बना दिया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रंग अलग था, सिर्फ और सिर्फ रंग के आधार पर। और इस मूवी में जितने भी करेक्टर आप देखोगे वो सारे के सारे रियल बेस्ड हैं, और उनके साथ जो कुछ भी इस मूवी में हो रहा है वो हकीकत में उनके साथ हो चुका है। और आप इस मूवी का जब देखोगे तो ऐसा नहीं कि कोई फिक्शनल है या फिर ये सब चीज़ें हुई नहीं, बस ऐसी ही हैं। ये एक रियल स्टोरी है, जो इसमें दिखाया गया है वो सब रियल है। आप ऐसे मानकर ये मूवी देखोगे तो आप सच में आपकी जो रूह है वो कांप जाएगी। 12 साल तक सोलोमन एक गुलाम की जिंदगी जीते, जबकि उनका नाम जो है वो सोलोमन है, वो भी उनसे छीन लिया जाता है। प्लेट के नाम से उनको अपनी लाइफ जीनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी वो इस नाम को लेते हैं। और इसमें इतने घिनौने सीन दिखाए गए हैं सच में, जिनको देखकर भी मतलब इतनी घिन आ रही थी, देखा भी नहीं जा रहा था। कितना बड़ा गुनाह होता है एक माँ को उसके बच्चों से, उसके छोटे छोटे बच्चों से उसे अलग कर देना। कोई इंसान इतना अमानवीय काम कैसे कर सकता है? इस मूवी में ये सब दिखाया गया है। हर एक औरत के ऊपर, चाहे वो भले ही एक छोटी बच्ची हो, उसको हवस की नज़र से देखना, किसी औरत के कपड़े उतार कर उस पर कोड़ों से उसको इतना मारना कि उसकी सारी खाल छिल जाए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहाने के लिए साबुन मांग रही थी। और फिर यही लोग ये बोलते हैं कि ऊपर वाला इनसे नाराज क्यों है, वो उनको खुश करने के लिए, ऊपर वाले को खुश करने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो उनसे नाराज क्यों है? अरे ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरों को गुलाम बनाना सिखाता है? और फिर ये पूछते हैं कि इनका कसूर क्या है? 12 साल बाद जब सोलोमन अपने घर जाता है वापस, तब देखते हैं कि उसकी बेटी की जो है वो शादी हो चुकी है एक इंसान जिससे उसकी ज़िंदगी के 12 साल छीन लिए गए सिर्फ उसके रंग के आधार पर। कितने सारे ऐसे लोग थे जो गुलामी में पैदा हुए और गुलामी में ही मर गए। 12 इयर्स अ स्लेव ये एक मूवी है, इसके ऊपर एक सीरीज भी है, एक अलग रूट नाम से एक सीरीज भी है, जो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, और उसका रिव्यू भी मैंने इस चैनल पे कर रखा है। अगर आप वो मूवी या वो सीरीज़ आप देखना चाहते हो तो डिज्नी हॉटस्टार पर आप जाके वो सीरीज़ देख सकते हो, और अगर आप लोग उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो आई बेल पे आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप वो रिव्यू देख सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके आप उसका वीडियो देख सकते हो। जब सोलोमन घर वापस आते हैं तो वो उन दो लोगों पर एक केस करते हैं जिन्होंने सोलोमन को किडनैप करके वॉशिंगटन डीसी लेके गए थे, जहाँ पर इनको गुलाम बनाकर बेचा गया था। हैरानी की बात है कि वो कभी जेल गए ही नहीं वो दो लोग। और 1853 में सोलोमन एक बुक लिखते हैं 12 इयर्स अ स्लेव, जो इस बुक के कारण सोलोमन अब सुर्खियों में आते हैं, और फिर एक अभियान छेड़ते हैं जो ब्लैक पीपल हैं उनकी उनको राइट्स दिलाने के। एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आप और मैं बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ये जीवन मिला, आज़ादी भरा जीवन मिला। हमें ये जीवन दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने कितने बलिदान दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि वो आज़ादी से सांस ले सके, और आज जो जीवन हमारे पास है, आपके पास है, मेरे पास है, उस जीवन को पाने के लिए उन्होंने सपना देखा था, और आज जब हमें वो मिला हुआ है तो उस जीवन को लेकर लोग कितनी ज़्यादा शिकायत लेकर बैठे हैं, कितने ज़्यादा डिप्रेस हैं, जबकि वो आज़ाद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उन क्रांतिकारियों के बारे में सोचो जिन्होंने अपने बलिदानों अपने अपने जीवन का बलिदान दे दिया इस जीवन को पाने के लिए, फिर भी हम लोग शिकायत करते हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है,
फिर भी हम शिकायत करते हैं, फिर भी हम डिप्रेस हैं इस जीवन को लेकर जो कि कितनी मेहनत से, कितने बलिदानों से हमें वो मिला है। और आज जो हैं तो अपने पूर्वजों का या उन क्रांतिकारियों का शुक्रिया अदा करो जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला, और अपने देश का, अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करो। और ये जो जीवन मिला है इसको ऐसे मत व्यर्थ कर दो कि भाई तुम लोगों ने सोचा तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, थोड़ी बहुत डिप्रेशन हुई, तो अपना जीवन जो है तुम लोगों ने ख़त्म करने का सोच लिया। नहीं यार, जीवन कोई इतना वो नहीं है। अगर ऐसा ही हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने सोचा होता, तो आज जो हम सांस ले रहे हैं इस देश में, या जो लोग जो जिन्होंने गुलामी की जो ज़िंदगी जी थी, आज उनके जो बच्चे हैं वो आज़ादी भरी ज़िंदगी में अपनी सांस ले रहे हैं, अगर उनके पूर्वज ने, उनके क्रांतिकारियों ने या हमारे क्रांतिकारियों ने अगर ऐसा ना सोचा होता, तो हम ये सब चीज़ें कभी भी हम पाते ही नहीं। आई होप सो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, और मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो, और आप देखना चाहते हो, ऐसी बेस्ट पिक्चर अवार्ड विनर मूवी है ये मूवी, तो प्लीज़ जाकर देखो इस मूवी को। बहुत कुछ सीखने को और हिस्ट्री के बारे में जानने को आप लोगों को मिलने वाला है। लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उस चीज़ को भी आप जानोगे। बस इतना ही ना। ओके, तो टाइम हो रहा है, चलो फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।